नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नूकर बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या फिर वीडियो गेम्स में या मूवीज में इस गेम के बारे में सुना होगा या देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कैसे आप एक स्नूकर क्लब खोल के महीने के 70-80 हज़ार रुपए इजिली कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी लोकेशन, कौन सी टाइमिंग आपको सेट करनी है और आप इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के साथ, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नूकर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कॉस्ट आपको 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख में आप 3 टेबल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। टेबल आप कोलकाता से खरीद सकते हैं क्योंकि कोलकाता में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहां टेबल काफी सस्ते होंगे। नियर अबाउट 80 हज़ार से 2.5 लाख के बीच में आपको एक टेबल की कॉस्ट आएगी। तो आप देख सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग आप वहां से टेबल मंगा सकते हैं, चाहे फर्स्ट हैंड हो चाहे सेकेंड हैंड हो, दोनों वहां पर सस्ते मिल जाते हैं। तो आप मिनिमम 3 टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी लोकेशन पे आप अपने गेम को सेटअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक कंडीशन होती है जिसका आपको ध्यान रखना होगा स्नूकर क्लब को ओपन करने के लिए। नंबर एक, आप बेसमेंट में रख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रख सकते हैं या फिर ग्राउंड फ्लोर पे रख सकते हैं। अगर आप इनसे ऊपर अपने टेबल को सेटअप करते हैं तो गर्मी के कारण आपकी टेबल सख्त हो सकती है और खराब हो सकती है। अगर वहां पे ज्यादा सर्दी है तो आपकी लकड़ी में सिलनपन आ सकता है जिसके कारण आपकी लकड़ी खराब हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी कमाई की, कि आप इससे कमाई कैसे कर सकते हैं और कितनी कमाई तक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज करें मैं एक बिजनेसमैन हूं जिसने स्नूकर क्लब ओपन किया है, आप एक विजिटर हैं जो मेरे क्लब में खेलने आते हैं, तो मैं अपने टेबल की जो रेट रखूंगा वो एक टेबल की कॉस्ट होगी 200 रुपए पर घंटे गेम के अकॉर्डिंग। अब आप चाहे 4 बंदे खेलें चाहे 2 बंदे खेलें, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे को एक टेबल की मेरी कॉस्ट पड़ेगी वो 200 रुपए, यानी मेरे को 200 रुपए पर घंटे के अकॉर्डिंग मिलेंगे मेरे टेबल के अकॉर्डिंग। अब मैं तीन टेबल के साथ अपना गेम स्टार्ट करता हूं तो एक दिन में अगर मैं सपोज करके चलूं कि 10 घंटे में से 5 घंटे में टेबल बुक रहती है जिसमें गेम होता है 5 घंटे, तो एक दिन में मैं 3,000 रुपए कमा सकता हूं 3 टेबल से। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 3,000 रुपए 3 टेबल से मैं कमा सकता हूं, तो एक महीने में मोस्टली 90,000 रुपए हो जाते हैं। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी इस तरह हो सकती है कि आप एक कैफेटेरिया ओपन कर सकते हैं। कैफेटेरिया में आप स्नैक्स रख सकते हैं जैसे सैंडविच, समोसा, कचौरी या फिर पास्ता, मैगी, नूडल्स या छोटे मोटे कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसे छोटे मोटे आप स्नैक्स रख सकते हैं, जिससे आपकी जो अर्निंग होगी वो 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होगी। साथ में एक जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, वो है कि आप अपनी टेबल को रेंट पे दे सकते हैं। आप किसी वेडिंग प्लानर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर किसी क्लब के साथ कॉन्टैक्ट करके अपने टेबल को किसी पार्टीज में या रेंट पे दे सकते हैं। इसका एक बेनिफिट होगा, जैसे सपोज करें मैं अपनी टेबल को रेंट पे देता हूं तो एक दिन की जो कॉस्ट चल रही है आज के टाइम में वो है 10,000 रुपए। तो मेरा कितना खर्चा आएगा, सपोज करें कि मैं 500 रुपए देता हूं मेरे टेबल को ले जाने के लिए, 500 रुपए देता हूं टेबल को लाने के लिए, इतना तो होता भी नहीं, फिर भी मैं एक आइडिया लेके चलता हूं। और साथ में 1,000 रुपए देता हूं मैं उस पर्सन को जो मैं टेबल के साथ भेजूंगा, जो वहां पे मेरे टेबल का ध्यान रखेगा कि टेबल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो 2,000 गए, अब मैं 2,000 उनको दूंगा जिनके थ्रू मेरे टेबल गई है। ये एक डील होती है लोगों के बीच में, 2,000 मैं उनको दूंगा जिसके थ्रू टेबल गई है मेरी। तो अब मोस्टली 10,000 में से जो मेरे पास खर्चा बचेगा, एक दिन की जो मेरी कमाई होगी वो 6 से 5 हज़ार के बीच में होगी। उसी प्रकार से आप अपनी टेबल को रेंट पे देके महीने के एक्स्ट्रा से 10-15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इसके अलावा जो अर्निंग का एक और मेथड है वो है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्नूकर की ट्रेनिंग भी लेते हैं लोग, क्योंकि इसकी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में आगे चैंपियनशिप भी होती है तो लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, या फिर छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में लोग इसे पार्टिसिपेट करके अर्निंग करते हैं। तो आप इसकी ट्रेनिंग देकर लोगों को एक्स्ट्रा अर्निंग आप अपनी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका आप प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो आप नंबर एक पे बात आती है कि आप सोशल मीडिया की सहायता ले सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी की भी सहायता से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। नंबर दो, आप न्यूज़पेपर की सहायता ले सकते हैं, न्यूज़पेपर में कोई ऐड लगा के आप लोगों को बता सकते हैं। नंबर तीन, आप एक अच्छी होल्डिंग लगा के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो नंबर चार पे मेथड आता है कि आप एक टूर्नामेंट रख सकते हैं जिसमें अपने जितने भी लोकल में पूल या स्नूकर क्लब होंगे आप उनको इनवाइट करें और कहें कि फ्री में टूर्नामेंट होगी और जो जीतेगा उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
इससे आपकी क्राउड ज्यादा इंक्रीज होगी, ज्यादा लोगों के बीच आपके क्लब का नाम जाएगा और आपकी जो जनता होगी वो भी इंक्रीज होगी, विजिटर भी आपके इंक्रीज होंगे। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जिसकी सहायता से आप अपना स्नूकर क्लब के बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। वो ये है कि जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट करें तब ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करना जैसे कोई स्कूल के आसपास हो, कॉलेज के आसपास हो या फिर कोई एक पीजी हॉस्टल्स के आसपास हो, क्योंकि ये जो बिजनेस है, क्योंकि ये जो गेम है वो यूथ में ज्यादा से ज्यादा चल रहा है आज के टाइम में और मैक्सिमम अर्निंग लोग वहां से कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप बिजनेस वहां स्टार्ट करें जहां पे यूथ सबसे ज्यादा हो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।